दोस्त ऐसा बनाओ ना कोयले के खान से ना हीरा को ढूंढो, ठीक है? कोयले की खान में ना कोयला मत निकालो क्योंकि कोयला काला ही होता है यार। इतना ज्यादा हम डिप्रेशन में है ना कि क्या बोले, जैसे हम नेट ऑन करते हैं ना धर 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 मैसेज, तुम धोखा दे दिया, तुम ये कर दिया, तुम दोस्ती का लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमको कोई वीडियो नहीं बनाना इसका ऊपर, हमको दोस्ती जो वर्ड है ना गाइस, इसको हमको बदनाम नहीं करना था। सो हेलो गाइस, यार कैसे हो सब? आई होप कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग मतलब कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है? आज का वीडियो कुछ अलग ही टॉपिक पे होने वाला है। सो गाइस, यार जैसे कि आप लोग जानते हो, बॉबी ब्लॉग एंड रॉक लामा अमन शाह, इन तीनों ने मिलकर जो लद्दाख का सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है? सो उनका बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है बॉबी ब्लॉग एंड रॉक लामा के बीच में, ठीक है? सो आज उसी के बारे में हम बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है? रॉक लामा, बॉबी ब्लॉग एंड अमन शाह गाइस, इन तीनों ने मिलकर अगर एक साथ राइट किया होता तो वह मज़ा आ जाता, वीडियो देखने में हम लोगों को भी मज़ा आ जाता, ठीक है? लेकिन क्या करें भाई, यार उन तीनों ने मिलकर भाई एक साथ राइट नहीं किया, मतलब रॉक लामा अकेला चला गया और दोनों ने मिलकर अलग चला गया, ठीक है? गाइस रॉक लामा ने एक वीडियो छोड़ा है, ठीक है? पहले वो क्लिप आप लोग देख लो। एक दोस्ती को लेकर ना गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है? आप देख रहे हो ना, दोस्त ऐसा बनाओ ना कोयले के खान से ना हीरा को ढूंढो, ठीक है? कोयले की खान में ना कोयला मत निकालो क्योंकि कोयला काला ही होता है। आई एम टोटली ब्रोकन मैन, व्हाट आई डू, कुछ नहीं होगा, रत्तू गर्म आएगा। अभी ये राइट जो है ना गाइस, सारा का सारा मैं अकेला ही खत्म हो रहा हूँ, मेरा हंसो हंसो आ रहा है भाई। अभी देहरादून जाएंगे और उसके बाद केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद ना स्पीति भी अकेले, उसके बाद वो क्या बोलता है, लेह लद्दाख भी करेंगे, मनाली भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे गाइस। बस आपका साथ देते रहना। कुछ ना होगा, जिंदगी है भाई, अकेले जीना अच्छा है, बहुत दुख है जिंदगी में भाई। सीरियसली गाइस दिस टाइम जोक नहीं है, आई एम टोटली ब्रोकन। जैसे ही गाइस यार आप लोग देख ही लिया, ठीक है, बंदा कैसे रो रहा है। इसी वजह से यार बॉबी ब्लॉग को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा था, सो इसी वजह से उसने एक वीडियो डाला था, तो पहले वो क्लिप आप लोग देख लो। गाइस तो सबसे पहले तो हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि गाइस आप लोग पहले पूरा कहानी जान लो। देखो वैसे तो हमको इस विषय में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है कि हम क्या बोले, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है, हम राइट करें कि क्या करें, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से सुनो, गाली कॉमेंट सेक्शन में हमको आप गाली दो या फिर हमको कुछ भी आप बोलो, गलत हमको ठहराओ, उससे पहले आप पूरा सच्चाई जान लो। हम सब चीज़ का आपको हम प्रूफ देंगे, उसके बाद आप डिसाइड करना कौन सही है, कौन गलत है, कौन छोड़ के गया, कौन नहीं गया, ठीक है ना? अब ऐसे डायरेक्ट मेरा ऊपर इल्जाम मत डालो यार, वो बड़ा क्रिएटर है, वो कुछ भी बोल देगा तो वो सही है, हम कुछ भी बोलेगा तो हम गलत थोड़ी ना हो सकता है यार। वहाँ पे हम लोग केक वक काटे, ठीक है, उसके बाद बैठे हुए थे, तो वो ऐसे ही हम लोग में अपने अपने अपना हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते वो बोला कि भाई व्यूज नहीं आ रहा है चैनल पे, देख रहा है 50,000-60,000 व्यूज आ रहा है, क्या ही होगा इतना में, सबका वही हाल था, ठीक है, व्यूज किसी का भी नहीं आ रहा था। तो अब उसने डिसाइड किया कि चल भाई UK07 से मिलते हैं, क्यों व्यूज आ जाएगा थोड़ा बहुत। हम उस टाइम उसको कुछ भी जवाब नहीं बोला, हम बोला ठीक है कर ना कर। बाबू भैया ने जैसे ही कॉन्फर्मेशन दे दिया कि हाँ भाई तुम आ जाओ, वो प्लान किया कि इन लोगों को छोड़ के हमको निकलना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो हम लोग को लेके जाता, अगर वो हम लोग को लेके जाता तो बाबू भैया का घर में नहीं घुस पाएगा कोई कीमत, तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर ऐसे घर में किसी को भी नहीं घुसाएगा 4-5 लोगों को, ठीक है ना? अगर वो अकेले जाएगा तो घुस सकता है, इतना तो सबको पता है, सभी को पता है, इतना ऑडियंस भी बुड़बक नहीं है जितना वो अगला समझ रहा है, सबको इतना गधा कोई भी नहीं है भाई आज का डेट में। उसके बाद बाताबाती हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा में बाताबाती हुआ, गाली गलौज भी हुआ, उसने मेरे को गाली दिया, हम उसको एक वर्ड भी गाली नहीं दिया, उसने मेरे को गाली भी दिया है, ये आप क्लिप सुन लो। अच्छा हम ना वहाँ पे समझ गया था कुछ तो गंडगोल होने वाला है, हम अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया है, तो थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग दिखाया, लेकिन हमारे पास ना भाई 2.5 घंटे का वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें वो जिससे मिलने गया है उसके बारे में भी बहुत कुछ बोला है, उसके घर वालों में भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमको वो सब, देखो भाई हमको पहले दोस्त थे हम लोग, पहले हम इस सब में हमको पढ़ना भी नहीं था, हम देखो पहले का हम कोई बात लेके नहीं आना चाहते, सीधी बात बोल दें, पहले का टाइम में हम भी उसके लिए बहुत कुछ किया है और उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो पहले की बात को मिट्टी डालते हैं, ठीक है? तबीयत भी खराब हो गया है।
तो वो वहाँ पे अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। वो रात में क्या किया, वो बोला ठीक है, गाली वाली हमको दिया, उसके बाद बोलता है तू निकल यहाँ से। भाई अगर तुम लोगों को थोड़ा भी डाउट है ना तो मेरे सामने उसको बैठा दो और बैठा के बात कर लो। वो मेरे को गाली दिया रात में, उसके बाद बोला तू निकल यहाँ से। उसके बाद मेरा जो पैसा उसके पास था, हम लोग 5,000 रुपये सब उसको दे के रखे थे कि रास्ता में जो भी खाएंगे पियेंगे रहेंगे उसमें से हम लोग का डिवाइड होते रहेगा। तो 5,000 में 2,500 रुपये खर्चा हुआ था, 2,500 रुपये बचा था। तो उसने मेरे को रिटर्न मेरा पैसा 2,500 रुपये दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से बोला तू अपना रास्ता अब से, हम अपना रास्ता। हम बोला कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप सो गया वहाँ पे। और उसके बाद रात में वो हम उसको सब नोटिस भी कर रहा है भाई कौन क्या कर रहा है, क्या देखना पड़ता है ना। तो वो अपना सारा बैग वैग सब कुछ पैक कर लिया, बोला सुबह, हम बोला सुबह निकल रहा है, अब तेरे से क्या लेना देना, अब अपना रास्ता, तू अपना रास्ता, बोला ना अब अपना अपना काम करो, ठीक है। वो अपना बैग वैग पैक करके हम लोग सब सो गए। सुबह उठे 11:30-11:12 बजे करीब। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए बाइक पे, अपना लगेज वगैरह बांधे, वहाँ से गए होटल में खाना खाने के लिए। खाना भी चुपचाप, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना हम लोग चुपचाप खाए वहाँ पे। उसके बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था केदारनाथ का, तो एक भाई है जो अभी रिसेंटली जाके आया केदारनाथ, सिलीगुड़ी का भाई है, हमारा दोस्त है, वो रिसेंटली जाके आया। तो हम उसको बोला भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना वहाँ का जो कोई नंबर वंबर है तो दे दे, क्योंकि ऑनलाइन में स्लॉट देख रहा हूँ तो पूरा फुल दिखा रहा है, कहीं पर मिल नहीं रहा अब इतना। तो हम वहाँ से उससे नंबर लिया, उसने मेरे को नंबर दिया, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम भेज देता है भाई, देख लो। उसने मेरे को नंबर दिया, हम इन लोगों को नंबर ट्रांसफर कर दिया, टाइम आप देख लो उसमें टाइम भी लिखा हुआ है, दोनों जन को हम नंबर, तो देख भाई हम तेरे को नंबर दे दिया है, क्या करना है बोल। हम इसको बस इतने पूछा क्या करना है बोल, ए तू जा ना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम बोला ना निकल यहाँ से, बोला ना जा यहाँ से। अब वहाँ पे जो बंदा हमको लगभग राइट का 1-2 दिन से बोल रहा है कि तू जा तू जा तू जा, अगर हम उस दिन नहीं निकलता ना तो रात नेक्स्ट डे भी अगर कुछ भी होगा ना तो मेरे को एक ही चीज़ बोलेगा, बॉबी हम तो तेरे को चला जाने के लिए बोला था ना, तू क्यों नहीं गया, तेरा गलती है, तू तो मेरा पीछे आ रहा है। तो वो चीज़ हमको दोबारा नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में बहुत कुछ गिना चुका है। हमको पास्ट का बात नहीं करना है, सीधी बात बोला, हमको पास्ट का कोई बात नहीं करना है, ना उसके बारे में ना अपना बारे में, ना ही हम चाहेगा कि कोई और बात करे। वहाँ पे जैसे नंबर दिया उसने मेरे को बोला जाना यहाँ से, तू तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बोला नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग तीनों जन है हल्द्वानी में, ठीक है, और यहाँ से मैं रॉक अलग हो रहे हैं। तो कोई भी मतलब भगवान ना करे किसी को कुछ हो, मतलब फिर भी बोल देता हूँ कोई भी किसी का रिस्क नहीं लिया है, ना रॉक मेरा लिया है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपना लेता हूँ, और तुम? मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अलग अलग हो गए हैं। ये वीडियो हम उसी लिए बनाए क्योंकि हमको मालूम है वो यहाँ से निकलने के बाद सिंपैथी गेम खेलना स्टार्ट कर देगा, उसको हम जानता है बहुत अच्छे से जानता है गाइस। वो देखो उसको पता है अगर बॉबी सब कुछ सच बता देगा तो वो फंस जाएगा, उसको हेट मिलने लगेगा, फिर भी हम कुछ नहीं बताया गाइस। अगर आप लोग में से भी कोई भी बंदा सोच रहा है या फिर वो भी सोच रहा है ना कि हम ये व्यूज़ के लिए ये वीडियो जो हम डाल रहे हैं ये बना जो रहा है ये व्यूज़ के लिए बना रहा है, तो भाई हम जिस दिन वो हुआ था ना उसका नेक्स्ट डे, जैसे वो मेरे को जैसे वो अपना फर्स्ट वीडियो में पहला ही वीडियो में बोल दिया था ना, जैसे जैसे हमको छोड़ दिया हम उस टाइम ही डाल देता ये वीडियो, लेकिन हम नहीं डाला क्योंकि हमको इसमें पढ़ना नहीं था, हमको कोई कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। वो उसको ना इस चीज़ का घमंड हो चुका है कि हम जो बोलेगा वो चीज़ ऑडियंस समझेगा, बॉबी का तो कोई बात ही नहीं सुनने वाला है। और हमको आज भी ये वीडियो बनाने का कोई भी इच्छा नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था, हम तो चुपचाप अपना राइट कर रहा है, आप लोग मेरा वीडियो देखो हम चुपचाप राइट कर रहा है, हम उसको कहीं पे भी पोक नहीं किया, हम कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो डे वन से जैसे अलग हुआ ना, जैसे अलग हुआ ना वो सिंपैथी रोना धोना करने लग गया ताकि ऑडियंस को अपना तरफ पकड़ के रखें, ऑडियंस को अपना तरफ खींच के रखें ताकि कल को हम कुछ भी बोल दें किसी का भी खिलाफ तो हमारा साइड में ऑडियंस रहे। लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं बोला गाइस, हम अपना वहाँ से नॉर्मल व्लॉग स्टार्ट किया, व्लॉग बनाते बनाते दर्शन करके जस्ट अभी हम आया हुआ है, कल रात में आया, इतना ज्यादा हम डिप्रेशन में है ना कि क्या बोले। जैसे हम नेट ऑन करता है ना धर 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 मैसेज, तुम धोखा दे दिया, तुम ये कर दिया, तुम दोस्ती का लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमको कोई वीडियो नहीं बनाना है इसका ऊपर, हमको दोस्ती जो वर्ड है ना गाइस इसको हमको बदनाम नहीं करना था, उसके वजह से हम कोई वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन वो दिन भर रात भर देखता हूँ पोक कर रहा है, इंस्टाग्राम में रोते हुए फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, वो हमको वहां से इनडायरेक्टली वे में पूरा हेट पहुंचा रहा है। हम तो कुछ चाहते ही नहीं है, सब चीज चाहता तो हम पहले ही दिन कर देता, दूसरा दिन कर देता, 3-4-5 दिन बाद हम क्यों करने जाए, छह दिन बाद नहीं करना था ये सब। वो बोल रहा है ना कि हम लोग अलग, हम उसको छोड़ के चला गया। हमारे साथ में जो एक बंदा था जो कोलकाता से आया हुआ था, अमन भाई अपना, ठीक है, वो बंदा हमारे लिए ये कोलकाता से जयगांव आया, वो तो वहीं से, हम लोग का तो प्लान था पटना में मिलने का, लेकिन वो बंदा बोला चलो तुम लोग दो जन वहाँ से निकल रहे तो हम वहीं से आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं, वहीं से निकल जाएंगे। और वहाँ पे छोड़ने का टाइम भी हम वहाँ से निकला, वहाँ पे आप लोगों ने जो वीडियो देखा यहाँ से उसका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, वहाँ से हम वहाँ से पहले निकल गया।
अमन भाई को हम बोल दिया कि अमन भाई देख लो तुमको क्या करने का है। हम उसको रॉक के पास ही छोड़ के निकला। अमन भाई को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो उनको गाइड कर देगा, रॉक उनके साथ चला जाएगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा वो। लेकिन वो किसी को लेके नहीं जाना चाहता था, सच्ची बता रहा हूँ। जो वो वीडियो डाला ना उसी का आप रिकॉर्डिंग चेक करो, यहाँ पे अमन भाई का जैकेट भी दिख रहा है और अमन भाई का वहाँ पे पल्सर भी दिख रहा है, बाइक भी दिख रहा है। हम उसको छोड़ के गया, अकेले है वहाँ पे, एक बंदा को रख के गया ताकि वो उसके साथ राइड आगे कर सके। वहां से वो उसने मेरे को आधे घंटे बाद रॉक ने मेरे को फोन किया कि बॉबी तू अपना दोस्त को छोड़ के चला गया। वो जैसे तैसे करके अमन को भी मेरा पीछे भेज दिया, ठीक है, और वहां पे सिंपैथी गेम खेल सके कि हम देखो मेरे साथ दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि वो खुद अपना मन से निकला गाइस। खुद वो रूम में भी बोल दिया था कि हम तो UK07 से मिलेगा, व्यूज लपेट के आएगा, देखना अभी हम कहां जाएगा, तू लोग कहां रहेगा, देखना मेरा लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगा। यूके से मिलेगा, वहां से जाएगा हम प्रो राइडर 1000 का, अगस्त्य भाई का अपना घर पे जाएगा उसका, क्या क्या है वो सब कुछ हम लोग सबका लात मार के निकाल दिया और प्लान ऐसा किया कि हम उसको छोड़ के गया। हम कहां से उसको छोड़ के गया, आप खुद डिसाइड करो। आप मेरे को, आप लोग इतना समय कमेंट सेक्शन में गाली वाली बके हो ना भाई, हम डिप्रेशन में चला गया, हम क्या करें। छोटा क्रिएटर बड़ा क्रिएटर को छोड़ के जाता है क्या यार, हम भी तो चाहेगा ना उसके साथ, रॉक के साथ रहेगा तो थोड़ा बहुत मेरा भी व्यूज आएगा, सीधी बात बोलता है। लेकिन हम क्यों छोड़ेगा उसको, वो मेरे को छोड़ के गया है वो, क्योंकि उसको यूके के पास ज्यादा व्यूज आएगा। वो बोला है कि हम यहाँ से निकलेगा यूके के साथ ले लद्दाख जाएगा, उसका वो प्लानिंग था। लेकिन अनुराग भाई लेके उसको नहीं गया, उसलिए अभी और वो टेंशन में कि हम इधर का भी नहीं रहा, इधर का भी नहीं रहा, अब हम करें तो करेगा, उसलिए और रो धो के वीडियो बना रहा है वो। और बीच में बदनाम कौन हो रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, मतलब हम गलत है, हम क्योंकि दोस्ती जो वर्ड है ना, दोस्ती हमको मालूम है दोस्ती कैसा होता है, पर गुस्सा ना ब्रो इतना ठीक नहीं है दोस्ती में ना, कम से कम सोचना चाहिए था हम अकेला है, हम और इतना दिन का रहे। अच्छा अच्छा, अभी फिर तू सिंपैथी गेम खेल रहा है, अब अकेला है, फिर तू सिंपैथी गेम खेल रहा है, हम अकेला है बोल के, तू अकेला जाना ही चाहता था वहाँ पे, तू नहीं चाहता था यूके से हम लोग कोई मिले, फायदा तो हर जगह फायदा ही देखता। अभी यहाँ पे देख, हम लोग राइड का प्लान किया था, हम लोग का ये प्लान ही नहीं था कि हम लोग यूके से मिलेगा या फिर किसी से मिलेगा, तो क्या बोला भाई व्यूज नहीं आ रहा है, उसके बाद हम क्या करें, तो चल यूके से मिल लेता है व्यूज आ जाएगा। तीन जन वहाँ पे हम कुछ बोला ही नहीं है, हम वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, हम चुपचाप बैठा है भाई। जब तू मेरे को गाली देके बोलेगा भाग यहाँ से तो हम तेरे को फोन करेगा। अच्छा दोस्ती में गाली नहीं चलता है, दोस्ती में चलता है ब्रो, इतना नहीं चलता, माँ का गाली नहीं चलता है दोस्ती में। अच्छा वो तो रात को दिया था ब्रो, सुबह दिया ना तेरे, सुबह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, सुबह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, जब खाना खाने में बैठा तो कुछ नहीं बोल रहा है, एक ही बार तू डायरेक्ट फोन किया, उसके बाद बोला कहाँ जाना है, हम तेरे को ये उत्तराखंड का इधर का ये नंबर भी भेजा, उसके बाद बोला तू बोला क्या गुस्सा में, ठीक है लौड़ा जाना यहाँ से जा, बोला कि नहीं बोला, ये नहीं बोल सकता था, हाँ बॉबी हो गया बात खत्म कर, तू रुक जा, तू नहीं ए लौड़ा तू जा, तू नहीं बोल सकता था। हम तो बोला भाई, हम तो उस टाइम से चुपचाप था, हमको अगर सुन, अगर हमको निकलना होता ना तो हम कब का निकल चुका होता, हमको निकलना होता ना तो हम सुबह निकल गया होता, तू रात में तो किस हिसाब से, तू तो बैग भी पैक कर लिया था कि भाई हम तो सुबह सुबह निकल जाएगा, बात मत कर कोई भी, रात में क्या बोला था बैग किया था, बैग उसी तरह से पैक किया, रात में बोला तो रात में तू क्या बोला, ठीक है कल से अपना अपना देखेगा सब कोई, अपना अपना सब कोई देखेगा, तेरे पास जो हम लोग का पैसा था तू पैसा तक दे दिया हम लोगों को कि ले भाई अपना पैसा पकड़, उसका क्या मतलब है, उसका नहीं उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, पैसा नहीं था, मैंने प्लेन चेंज किया बाबू ऐसे मिलना मुझे था। बस वीडियो तो देख लिया होंगे, सो फिर गाइस इस वीडियो को देखते हुए रॉकलामा ने फिर एक स्टोरी डाला है, ठीक है इंस्टाग्राम में, पहले वो भी देख लो। देखो गाइस यार, हम लोग ये नहीं चाहते कि उन दोनों ने मिलकर लड़ते रहे, ठीक है, सिर्फ हम लोग ये चाहते कि यार फिर से एक हो जाए एंड हम लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो देते रहे, ठीक है। सो गाइस यार मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।